आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाहुद्दीन की धमकी के बाद पंच और सरपंचों में डर पैदा हो गया है। जम्मू कश्मीर पंचायत सदस्यों ने राज्य सरकारों से 24 घंटे के अंदर अपनी सुरक्षा की मांग की है। हिजबुल मुजाहिदीन सुप्रीमो जनाब सैयद सलाहुद्दीन की तरफ से एक थर्ड परसेप्शन कायम हुआ है उनके बयान से। उन्होंने बयान दिया था कि गवर्नमेंट कहां तक किस हद तक इनको प्रोटेक्ट करेगी जेएंडके में, लेकिन वो हमारे टारगेट में है और ये एज टूल्स हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करता है और डेमोक्रेटिक सेटअप को यहां मजबूत करने के लिए इसको एक मेमोरम की सूरत में दुनिया को दिखाता है। बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन की धमकी से डरे 10 सरपंच पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और 900 पंचायत सदस्यों ने 2 सरपंच के मारे जाने के बाद अपना इस्तीफा दिया था। आई थिंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गो शुड सी द इशू वेरी सीरियसली। ऑनरेबल होम मिनिस्टर नाजिर असलमानी, ही शुड आल्सो थिंक ओवर इट एंड गवर्नमेंट शुड कम क्लियर टू द स्टैंड रीसेंट इन नियर फ्यूचर। आई होप सो। ये लोग पिछले साल पंचायत चुनाव में चुने गए थे। पिछले 5 साल से कई पंचायत सदस्य मारे जा चुके हैं। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।